कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले खाने को वोट देंगे तो आपका वोट श्री भगवान राम के चरणों में जाएगा, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाएगा। सपा को वोट दोगे तो वोट किसी अतीक अहमद को जाएगा, किसी अफजाल अंसारी को जाएगा, किसी राष्ट्र विरोधी ताकत को जाएगा। अगर आप वोट बसपा के प्रत्याशी को दोगे तो वोट भ्रष्टाचारियों के खाते पर जाएगा। निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब थम चुका है, लेकिन इस चुनाव में प्रत्याशियों का अलग चुनावी अंदाज देखने को मिला। कहने को राजनीति मुद्दों पर की जाती है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट लेने का अब जैसे ट्रेंड चल निकला है। ऐसा ही एक बार फिर कानपुर देहात के राजपुर नगर पंचायत में देखने को मिला, जहां पर राजपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी अंशु त्रिपाठी का प्रचार करने के लिए कानपुर देहात के MLC व जिला भाजपा अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कमल को वोट दोगे तो वह सीधे राम के चरणों में जाएगा, श्री कृष्ण के चरणों में जाएगा। वहीं अगर सपा को वोट दोगे तो वो सीधे अतीक अहमद, अफजाल अंसारी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के पास जाएगा। जब नगर पंचायत राजपुर का चुनाव हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले खाने को वोट देंगे तो आपका वोट श्री भगवान राम के चरणों में जाएगा, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाएगा। आपका वोट आपका आशीर्वाद, आपका वोट आपका आशीर्वाद सीधे मोदी जी और योगी जी को ताकत देने वाला होगा। और जिस तरीके से तमाम सारे प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, चाहे वो सपा का प्रत्याशी हो, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो या कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो, अगर भाई और बहनों सपा को वोट दोगे तो वोट किसी अतीक अहमद को जाएगा, किसी अफजाल अंसारी को जाएगा, किसी राष्ट्र विरोधी ताकत को जाएगा। अगर आप वोट बसपा के प्रत्याशी को दोगे तो वोट भ्रष्टाचारियों के खाते पर जाएगा, और अगर आप किसी निर्दलीय को वोट देते हो तो उसकी कहीं गिनती भी गिनने में नहीं आएगी। और इसलिए संकल्प करिए कि सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नेतृत्व में यहाँ पर कमल को खिलाना है। फिलहाल चुनाव में धर्म से लेकर अतीक और मुख्तार को भुनाने के लिए सत्ताधारी दल के तमाम नेता लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इस राजनीति पर जनता क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट, UP तक।